आप सबको मेरी नमस्ते। इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है और उतनी ही स्वादिष्ट भी है। साथ ही साथ ये बहुत ही सस्ते में बन जाएगी, तो बहुत ज़्यादा खर्चा इस पे नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वादिष्ट बर्फी बनाना। जिसके लिए ये मैंने, देख लीजिए आप, 1/4 कप ले लिया मैदा, उसको अलग रख लिया। और अभी 1/2 कप से थोड़ा कम ले लिया देसी घी। अभी इसे पैन में डाल देते हैं घी को। अभी जो मैदा रखा ना, उसे हम भून लेते हैं। सिर्फ 2.5 मिनट के लिए भूनना है और गैस एकदम से कम करके इस तरह चलाते जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि फिर इसका ना कलर है जो, वो चेंज हो जाएगा। तो 2.5 मिनट में अच्छे से मैदा भून जाता है घी में। तो इसे हमने 2.5 मिनट के लिए भून लिया। अब इसे निकाल देते हैं अलग बर्तन में। उसी पैन को मैंने धो लिया। अभी 1 कप भर के ले ली चीनी, उसी कप से 1/2 कप पानी। अभी हमने चाशनी तैयार करनी है। गैस मीडियम कर देनी है और इसे बॉईल आने देना अच्छे से पहले। अभी इसे पकाते जाना है लो टू मीडियम करके गैस, और साथ ही साथ मैंने इलायची का पाउडर भी मिला दिया। थोड़ा गाढ़ा करना चाशनी को, और एक तार वाली चाशनी तैयार करनी है। यह अभी गाढ़ा हो चुका है, तो देखिए तार भी निकल रही है। तो बस अभी हमने इसके अंदर मिला देना जो मैदा रखा ना भून के पहले, वो मिला देना। साथ ही साथ 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर के, तो एकदम से हलवाई जैसा स्वाद आएगा बर्फी में। अभी हमने क्या करना है, गैस कर देनी है बंद। तो गैस बंद करके ही इसे हमने मिलाते जाना इस तरह से। ये देखिए, अभी मैं गैस से उतार के इसे नीचे रख दिया मैंने। अब गाढ़ा हो रहा ना, जैसे जैसे ठंडा होगा तो गाढ़ा होता जाएगा, इस तरह हो जाएगा, एकदम से पैन को छोड़ देगा। अब इसे सेट कर लेते हैं। तो ये मैंने एक ट्रे ले लिया, घी लगा दिया देसी घी। अब इस मिश्रण को इसके अंदर हमने सेट कर लेना। सभी जो लगा हुआ ना, वो सारा निकाल लीजिए। स्पैचुला के साथ लगा था जो, इस तरह से सेट कर लिया। और अभी इसे अच्छे से ठंडा होने देना और जमने देना। बहुत जल्दी से जम जाती है जी, ये देखिए। अब इसे पलट लेते हैं प्लेट में। तो 1 सेकंड के लिए भी टाइम नहीं लगता, ये झट से निकल जाती है, टैप भी नहीं करना पड़ता। अभी मैं थोड़ा बड़ी प्लेट रख रही हूँ। अभी जो ये साइड वाला किनारा ना, मुझे टेढ़ा सा लग रहा है, तो मैं इसको काट रही हूँ इस तरह से। अभी अच्छा लग रहा ना। अभी मैंने हलवाई जैसा बनाने के लिए इस पर चांदी का वर्क लगा दिया। अब इसके पीसेस कर लेते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे पीसेस कर लीजिए। मैंने इस तरह से सेंटर से काटा और फिर इस तरह से। तो सभी पीसेस मैंने इसी तरह से कर लिए, ये देखिए। अब इसे प्लेट में निकालते हैं और ये देखिए आप, बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट से हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। 10 मिनट से भी कम समय लगा है। तो फ्रेंड्स, इसे ट्राई ज़रूर करें। लेकिन अभी मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही सस्ते में बनने वाली रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करें प्लीज़।